हमारे पास तो बिहार बाबा साहब अम्बेडकर का ये 22.5% का आरक्षण सरकार की नौकरी में और 25% का आरक्षण हमारा लोकसभा विधानसभा में, इसके अलावा कुछ है नहीं देश में। बात समझ लीजिएगा, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, सरकारों के भरोसे मत रहिएगा। कई बार बाहर जाने का मौका मिलता है तो बाहर जो लोग चले गए हैं वो अपने क्या कहेंगे उसको, जो उनका नागरिकता मिली अमेरिका में या कनाडा में, तो बाबा साहब के फोटो के नीचे रख करके सिर झुकाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अगर आप ना होते तो आज अमेरिका के नागरिक या कनाडा के नागरिक नहीं हो। और बहुत जोर से कहेंगे, विदेशों के विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू लगा हुआ है सभी विश्वविद्यालय और नीचे लिखा होता है सिंबल ऑफ नॉलेज। हालांकि सम्मान यहाँ नहीं प्राप्त होता है, जैसा कि व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को हम सब लोग रोज झेलते हैं। आज के सभा में हमारे जब कर्मचारी संगठनों को हम लेकर चल रहे थे 97, 98, 99, 2000 में, और एक एक व्यक्ति के हित को संरक्षित करना पार्लियामेंट्री कमेटी के डायरेक्टर के रूप में और अब ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, जितना बड़ा 200-200 लोगों को स्पेशल स्पेशली उनको प्रमोट कराना, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जो हो नहीं सकते थे, और वो अगर हुए तो उनका श्रेय अगर जाता है। अभी पिछले दिनों समस्या पैदा हुई थी कि रिटायरमेंट के बाद में पदाधिकारी भाग नहीं लेंगे, शेखर साहब से बात हुई, हमने कहा सर ये तो बड़ा अनुभवी लोग अगर बाहर हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जब तक तो मौका मिले, जब तक नए लोग तैयार ना हो, दो पदाधिकारी आपके राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके लिए एग्जेम्पशन ग्रांट किया पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और रिटायरमेंट के बाद भी दो राष्ट्रीय पदाधिकारी आपके हर वार्ता में शामिल ऑफिशियली होंगे, ये शेखर साहब ने करवाया। ऑनरेबल मेंबर है नेशनल कमीशन के, प्रथम नागरिक भारत के, हमारे एससी समाज के माने जाते हैं। जिस तरीके जिस जुझारूपन से, क्योंकि मेरा भी अनुभव बड़ा लंबा हो गया नेशनल कमीशन के जो भी चेयरमैन है मेंबर्स के साथ में, मेरा भी करीब 30 साल का अनुभव है, और मुझे भी कुछ मौका मिला कि जब मकान की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरे हिस्से में थोड़ी सेवा आई, तो मैंने LIC के गेस्ट हाउस में 1.5-2 महीने और गेस्ट हाउस में मेरा सरकारी आवास था उसके ऊपर ही था, तो हमारी मुलाकात भी होती थी, चर्चा भी होती थी। और जब से आप कमीशन में आए हैं मुझे प्राउड, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जो भी समस्या उनके संज्ञान में आती है उसको पूरी मजबूती के साथ टेकअप करके न्याय देने की हर संभव कोशिश, वो प्रधानमंत्री ही बना दिया दलित जोरदार। आज तो आपकी शुभकामना जो पूरा विश्व जानता है, तो और मैं कहता हूँ कि इनके हाथों में PNB एसोसिएशन जब तक है आपके हित पूरी तरह सुरक्षित है। मैं राष्ट्रीय महासचिव प्रधान महासचिव होने के नाते, क्योंकि मैं तो स्टेट बैंक को भी देखता हूँ जी, मैं रेलवे को भी देखता हूँ, LIC का तो खुद मैं ही जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं बैंक ऑफ इंडिया को भी देखता हूँ, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी देखता हूँ, मैं CPWD को भी देखता हूँ। मेरा डेजिग्नेशन क्या है कि मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। 97 में जब सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेश निकाले थे, सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर दिए, सरकार ने उसमें इमीडिएट DOPT ऑर्डर निकाल दिए, संघर्ष हुआ, आपने देखा कि रामलला मैदान में लाखों लोग आए, सरकार 3 दिन तक 1999 में लोकसभा बंद रहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक मौका नहीं मिला, सरकार झुकी और संविधान में 3 संशोधन करके बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को बचाने का गौरव आप सबको प्राप्त है, जोश आंदोलन का हिस्सा है। अप्रैल याद है, भारत बंद, उन शहीदों को याद किया जाए जिनकी जान गई थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायलूट किया था, खत्म किया था, और पूरे देश में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था, और उस आंदोलन को इतिहास में हमेशा याद इसलिए रखा जाएगा कि उस आंदोलन से घबरा करके सरकार को संविधान में संशोधन करके आपके SC ST एट्रोसिटी एक्ट को फिर द्वारा इन्फोर्स करने के लिए मजबूर होना था। इस किसान आंदोलन को भी नहीं भुलाया जा सकता, साल भर तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, सरकार कुछ कहती रही, सरकार कुछ कहती रही, किसान कुछ कहते रहे, और उसके बाद में अंत थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी गुरु पर्व के मौके पर किसानों की बात मानी और जो कानून थे उनको वापस करके एक रास्ता बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि किसान और मजदूर का रिश्ता भी, मेरा किसान से ताल्लुक है कि हम SC ST के लोग हैं, हमारी ज्यादातर आबादी गाँव में रहती है, और गाँव में रहते किसान के खेतों से हमारा रोजगार चलता है। ये जो भी पिछले दिनों रहा, हमें भी इस बात की खुशी है कि ये सामान्य स्थिति अगर बहाल हो जाती है और ये सब सामान्य हो जाता है मामला, तो हमारे जो मजदूर वर्ग है, SC ST समाज है, उसके लिए भी ये एक खुशी की बात है। मैं ये दो तीन चार पांच बार भारत के बाहर भी जाने का मौका मिला, भारत दुनिया के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बार आपकी आवाज उठाने का मौका मिला, 1 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे आपकी आवाज उठाने का मौका मिला, 1 बार कनाडा की पार्लियामेंट में मुझे, जब वहां के डिफेंस मिनिस्टर सज्जन सिंह जी मुझे रिसीव करने के लिए आए, मैं चीफ गेस्ट था,
कनाडा की पार्लियामेंट में, तो मुझे लगा कि शायद मैंने भी समाज का कोई छोटा मोटा काम किया है। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्जा हमारे ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर का इसलिए है कि एक टाई जो मेरे गले में है, ये कोट जो मेरे शरीर पर है, जब मैं पढ़ता था तो मेरे पैर में चप्पल नहीं, जब मैं पढ़ता था तो मुझे पैंट नहीं मिली, जब मैं पढ़ता था तो मुझे स्वेटर नहीं मिला, और पढ़ा मेरे माँ बाप ने मेरे पे क्या किया कि उन्होंने किसान के मजदूरी के लिए नहीं भेजा, मुझे स्कूल भेज दिया, और स्कूल में कभी हॉस्टल में मैं बंद हो जाता था, लेकिन कुल मिलाकर के पढ़ाई हुई, और पढ़ाई के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मिला और मैं सरकार की नौकरी में आकर के जो भी यहाँ जो भी मैं कुछ हूँ उसका श्रेय, परंतु जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर ना होते तो शायद आज हम यहाँ पर एक भी नहीं होता। इस समय देश में सरकारीकरण का दौर हुआ, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, घर घर में एक एक रोजगार मिला, सरकार की नौकरी मिली, कोई चपरासी बना, कोई क्लर्क बना, कोई आईएएस बना, कोई इंस्पेक्टर बना। ये साहब 40 लाख लोग 2 जुलाई 1997 को जिस दिन पोस्ट बेस रोस्टर इस भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, 40 लाख लोग रिकॉर्ड किए गए एससी एसटी के, आज 8 लाख लोग रह गए हैं, 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर। बैंक को देख लीजिए 31,000 कब हुए हैं, 3 बैंकों का जब मर्जर हुआ है। पीएनबी की बात करता हूं मैं, एक समय पीएनबी में 50,000 आदमी हुआ करते थे, और ये 10 साल बाद इसकी पीएनबी की भी स्थिति ऐसी होगी, 31,000 एलआईसी में था, 21,000 बाहर हो गया, रेलवे में 5.5 लाख गया, 3 लाख आदमी रह गए। मेरी बात से सहमत है आपने? मेरा कहना यह है कि बाबा साहब को मानते हो बहुत अच्छी बात है, संविधान दिवस मनाते हो बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब का घर खरीदा बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब के नाम पर स्मारक बनने बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब की बात मान करके साहब सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद कर दो और निजी क्षेत्र में आरक्षण कर दो तो हमारे समाज का भला होगा। सरकार का पैसा बैंकों का, सस्ती जमीन सरकार की, मालिक उद्योगपति, रिजर्वेशन क्यों नहीं है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताइए आप मुझे? अरे होना चाहिए, होना चाहिए। आप सरकार आप मानते हैं बाबा साहब को, बहुत अच्छी बात है, नहीं बाबा साहब की बात मान। अरे हमारे पास ना खेत है, ना हमारे पास खलिहान है, ना हमारे पास उद्योग धंधे हैं, हमारे पास तो जी हाँ बाबा साहब अम्बेडकर का ये 22.5% का आरक्षण सरकार की नौकरी में और 25% का आरक्षण हमारा लोकसभा विधानसभा में, इसके अलावा कुछ ही नहीं देश में। आप बताइए सड़क कौन बनाया? मेरा आदमी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ईंट कौन उठाया? मेरा आदमी। देश का सर्व जो भी विकास हो रहा है उसमें एससी एसटी समाज के लोगों की क्या महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, बीजेपी फिल्म में पिटता रहा लेकिन उसने झूठ कबूला नहीं, हमारा आदमी देश की प्रगति के लिए 24 घंटे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ साथ काम करता है। और हमारे हिस्से में क्या आता है? इलाहाबाद एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 3 महीने पहले एफआईआर किस तरह दर्ज हुई 2 साल के बाद में, और परिवार में उसकी बकरी काट दी गई, चारों परिवार के लोगों को काट दिया गया, पहले लड़की से और माँ से रेप किया गया। क्या है ये संविधान है क्या? संविधान दिवस 26 नवंबर पे सरकार में बैठे हुए लोग, जाति विशेष के लोग अगर ये अत्याचार करेंगे तो क्या आप स्वीकार करोगे? इसे एक्सेप्ट करो ना, से पूछा जाता है। समाज की एकता एकजुटता आपको बचाएगी, बात समझ लीजिएगा। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, सरकारों के भरोसे मत रहिएगा, समाज की एकता एकजुटता आपको बनानी पड़ेगी। अगर बनाओगे क्या एक बात बताइए, जब आपके आपके रिजर्वेशन के साथ उठाना घात होता है तो क्या वो ये देखता है कि धोबी है, क्या देखता है चमार है, क्या देखता है भंगी है करने वाला, देखता है एससी एसटी मारो, सबको मारा जाता, नहीं मारा जाता। जब रेप होता है तो क्या वो देखता है वाल्मीकि की बेटी है, ये चमार की बेटी है? अरे मेरी बात का जवाब दीजिए, जब अत्याचार करने वाला ये नहीं देखता तो हम लोग आपस में क्या देखते हैं? ये वाल्मीकि है, ये चमार है। अरे भैया इन झंझटों को छोड़ दो, हम सब एक है, हम में कोई फर्क नहीं है, हम सब भाई भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो, करोगे क्या? डॉक्टर अम्बेडकर का कर्जा हम सबके ऊपर है, मेरा बेटा विदेश चला जाए, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, समाज इससे मजबूत तो होगा इकाई के रूप में, लेकिन जब तक गांव की आबादी जिसको मिलाकर के 22.5% रिजर्वेशन तय हुआ उसमें से केवल 40 लाख परिवार सरकार की नौकरी में आए हैं, 40 लाख परिवार को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, बेटा बेटी बहू माँ बाप, यानी 20 से मल्टीप्लाई 8 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य आरक्षण से गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। 32 करोड़ की आबादी में 10,000 लोग एमएलए एमपी बाबा साहब के अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से एमएलए और एमपी बनने में कामयाब हुए। इसको भी मल्टीप्लाई भी इससे करता हूं 2 लाख बनता है, और उसको मल्टीप्लाई 8 करोड़ बनता है, तो फायदा समाज का किससे हुआ?
सरकार की नौकरी मांगने से पॉलिटिकल वाले से ज्यादा हो, बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है 8 करोड़ लोग अगर गरीबी की रेखा से बाबा साहब के आरक्षण देने से, लेकिन बचा हुआ 24 करोड़ तो गांव में गरीबी की जिंदगी जीना ही जीना, उसके लिए क्या मेरी आपकी कोई जिम्मेदारी है? क्या किसी ने गांव का कोई बच्चा गोद लिया है? किसी बच्चे की फीस दी है? किसी बच्चे को शहर लेकर आया है? नहीं लाया है तो आपके ऊपर ये अपराध है। आपको ये काम करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बाबा साहब के बहुत बड़े कर्जदार हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद करने के लिए मेरे खिलाफ भी दुनिया भर के षड्यंत्र होते रहे हैं। षड्यंत्र से घबराना नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं घबराया। अभी मैंने नौकरी छोड़ी 14 अक्टूबर 2021 को, मैंने बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था नागपुर में, 14 अक्टूबर को मैंने सरकार की नौकरी छोड़ी। और मैंने भी तय किया कि यार बहुत नौकरी हो गई, अब राजनीति में आते हैं। हमारे वर्मा साहब भी राजनीति में, राज्यसभा के सांसद हैं, हम भी इनकी बरादरी में शामिल हो गए हैं। और हम राष्ट्रीय लोकदल, जो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन की लहर है, उस पार्टी में मैंने वहां पर ज्वाइन किया है। और देखना यह है कि क्या बदलाव होगा, क्या समय बताएगा। लेकिन एक बात का विश्वास रखिएगा, कल भी नौकरी में रहते हुए समाज के हितों से हमने कभी समझौता नहीं किया, और राजनीति में रह करके केपी चौधरी कभी समाज के हितों से समझौता नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 97 में जिस तरीके से आप लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के अपने समाज की आवाज आपने उठाई थी, आज वही समय है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बीएनपी एसोसिएशन पहले भी पीछे नहीं थी और आगे भी पीछे नहीं रहेगी। जोर से बोलो जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।